तो टेलीकॉम इंडस्ट्री पे जो पड़ रहा भार ऐसे दोस्तों दो कंपनियां ही आने वाले टाइम में बचेगी, ऐसी में एक रिपोर्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पे एयरटेल का दोस्तों दावा था, दोस्तों एयरटेल के मालिक का मित्तल जी का, कि आने वाले दोस्तों दो साल के अंदर भारत के अंदर दो कंपनियों का दोस्तों वर्चस्व होगा, एक होगी जियो और एक होगा एयरटेल। वोडाफोन आइडिया दोस्तों यहां पे ऑलमोस्ट बीएसएनएल की कैटेगरी में यहां पे जाता हुआ देखिएगा, उसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 10-15% के बीच में घूमेगा। वैसे ही दोस्तों एक कहना दोस्तों यहां पे एक बड़ी कंपनी दोस्तों यहां पे आईआईएफएल दोस्तों इंडिया इंफोलाइन दोस्तों सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी, इनका दोस्तों एक बड़ा दावा निकल गया, जहां पर उन्होंने दावा किया कि आने वाले टाइम में दोस्तों भारत में सिर्फ दो कंपनी का दावा यहां पे रहेगा, और उन्होंने यह भी कह दिया कि फिलहाल ये कंपनियां दोस्तों टेरिफाइड नहीं करेगी, कम से कम दो साल तक तो यहां पे टेरिफाइड नहीं होंगे। क्या दावा दोस्तों आईआईएफएल का, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर की कमर तो दोस्तों उस दिन ही टूट गई थी जिस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, यहाँ पे कंपनियों को खास करके एयरटेल आइडिया वोडाफोन वीआई एक हो चुका है, इन कंपनियों को दोस्तों 50,000 करोड़ दोस्तों डीओटी भारत सरकार को देना है, क्योंकि इन लोगों ने एजीआर का पैसा नहीं चुकाया था, इसलिए दोस्तों कंपनी की हालत बहुत टाइट है। खास करके बात करेंगे वीआई की, तो वीआई की हालत तो बहुत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि मार्केट से पैसा भी लाना है, नेटवर्क भी बूस्ट करना है, पैसा चुकाना भी है, सारी चीजें करनी दोस्तों, फंड रेजिंग करना है, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट निकल गया था कुछ ही दिन पहले सुनील मित्तल जी का दोस्तों, एयरटेल की मालिक, उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम के अंदर वाले कुछ ही सालों में मैक्सिमम 18 महीने से लेकर 2 साल के अंदर भारत में सिर्फ दो टेलीकॉम कंपनीज रहेगी, दोनों प्राइवेट कंपनीज होगी दोस्तों, वो होगी एक जियो और एक एयरटेल। यस, जिस स्पीड से दोस्तों एयरटेल ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट जियो को नेक टू नेक टक्कर यहां पे दे रहा है पैसे कमाने में, सब्सक्राइबर में, सभी के अंदर सब्सक्राइबर में देखो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर में जियो आगे, लेकिन एक्टिव सब्सक्राइबर में ऑलमोस्ट दोनों बराबर है, कमाने वाले में दोनों दोस्तों आगे जा रहे हैं, बूम कर रहे हैं। लेकिन एक टेलीकॉम ऑपरेटर दोस्तों जो फेसडी साबित होता है, मैं बीएसएनएल की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो पहले से ही फेसडी है, उसको जब तक 4G नहीं मिलता तब तक बात वो 10% भी खड़ा है। वोडाफोन आइडिया दोस्तों जब इनका मर्जर हुआ था ये ऑलमोस्ट 38 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ थे आने 1.5 साल पहले दोस्तों, लेकिन आज उनकी सिचुएशन ऐसी कि 28-29 करोड़ पे है, मतलब पिछले एक साल के अंदर, एक सवा साल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर छोड़ के जा चुके हैं। कुछ दिन पहले एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैंने आपके साथ साझा की थी, जहां पे दोस्तों यहां पे दावा किया था कि आने वाला 2 साल 18 से लेकर 20 महीने 22 महीने मतलब ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर यहां पे वोडाफोन आइडिया को ऑलमोस्ट 5 से लेकर 7 करोड़ या 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर छोड़ेंगे, और ऐसा ही कुछ हो रहा है, सितंबर के अंदर ऑलमोस्ट 50 लाख सब्सक्राइबर छोड़ के गए थे। इन सारी चीजों में दोस्तों एक पैटर्न नजर आ रहा है, जिससे पता चला कि वोडाफोन आइडिया ने अगर अपनी सर्विसेज नहीं सुधारी, अपने नेटवर्क को नहीं सुधारा, तो दोस्तों यहां पे ये चीजें बहुत बिगड़ेगी, और वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल के साथ कंधे पे कंधा रखते हुए दोस्तों यहां पे बैठा होगा, और यहां पे एयरटेल और जियो टॉप में लीड करेंगे इंडियन मार्केट को। दोस्तों टॉप टू टेलकोस कंसोलिडेटेड मार्केट शेयर वोडाफोन आइडिया लाइकली टू लूज आरएमएस दोस्तों, यस दोस्तों ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है, दो कंपनियां सिर्फ जियो और एयरटेल दोस्तों मार्केट को लीड करेंगे, वोडाफोन आइडिया कहीं भी दिखने वाला नहीं यहां पे। ये कौन बोल रहा है, टॉप टू टेलीकॉम कंपनीज जियो एंड भारतीय एयरटेल हैज कंसोलिडेटेड मार्केट शेयर मूविंग द इंडस्ट्री पॉसिबल टुवर्ड्स टू प्लेयर स्ट्रक्चर दोस्तों, यस जियो और एयरटेल दोस्तों जिस तरह से मार्केट को कंसोलिडेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, बाकी कंपनियां जाती है खास करके वोडाफोन आइडिया, ये दोस्तों वहां एक इशारा कर रहा है कि सिर्फ दो कंपनियां भारत में बचेगी, सिर्फ दो कंपनियां, बीएसएनएल को तो वैसे भी माना नहीं जाता इसके अंदर। विद वोडाफोन आइडिया फेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ लूजिंग रेवेन्यू मार्केट शेयर दोस्तों, रेवेन्यू मार्केट शेयर यहां पे डेफिनेटली बहुत गिर रहा है इसका, मार्केट शेयर प्लस पैसा दोनों यहां पे गिर रहे हैं, कमाई भी नहीं हो रही है। एज द स्ट्रगल फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आईआईएफएल दोस्तों सिक्योरिटी की रिपोर्ट निकल गई, द लेटेस्ट नोट बाय आईआईएफएल सिक्योरिटी आल्सो इंडिकेट दैट द टैरिफ हाइक मे नॉट बी इमीडिएट दोस्तों, फिलहाल इमीडिएट वे में टैरिफ हाइक नहीं होगा, जो वोडाफोन बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हम फटाफट कर देंगे, वैसा दोस्तों आईआईएफएल का मानना नहीं है कि जल्दी से जल्दी यहां पे होगा, उनका मानना तो एक इंस्टेड ऑफ सीज टैरिफ हाइक दोस्तों यहां पे होगा आने वाले टाइम में 12 से 18 महीने मतलब 1.5 साल तक टैरिफ हाइक फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, ये एक देखा जाए तो अच्छी राहत भी आप और मेरे लिए। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बुरी खबर यहां पे वोडाफोन के लिए कि वोडाफोन को दोस्तों यहां पे वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ा झटका नजर आ रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल की कैटेगरी में चला जाएगा, और सिर्फ दो कंपनियां भारत में दोस्तों यहां पे अपना वर्चस्व बनाएगी। देन दे शी शेक अप दैट द इशू विद द जियो एंट्री रिजल्टेड, जियो जिस दिन पहली बार दोस्तों मार्केट में आया था 3+1 हो गया था, यस तीन कंपनी यहां पे जियो थी, एक थी दोस्तों यहां पे एयरटेल, एक थी वोडाफोन और एक थी आइडिया, तीन थी उसके सामने दोस्तों यहां पे जियो था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे भी दो प्लेयर यहाँ पे हो गए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया था वो मर्ज यहाँ पे हो गया, और एयरटेल दोस्तों यहाँ पे हो गया, उसके सामने जियो था, लेकिन जियो दोस्तों अपना साम्राज्य बढ़ाता गया और आज दोस्तों हालत ये है कि यहाँ पे सिर्फ एयरटेल इसको टक्कर देने की पोजिशन में, वोडाफोन आइडिया कहीं से भी टक्कर नहीं दे पा रहा, ना तो दोस्तों प्लान्स के अंदर, ना दोस्तों प्राइसिंग के अंदर, ना दोस्तों उसके नेटवर्क के अंदर, ना किसी भी चीज के अंदर, सब्सक्राइबर बेस तो उसका गिरता जा रहा है। इसलिए दोस्तों इंडस्ट्री के दोस्तों जो एक्सपर्ट्स है दोस्तों आईआईएफएल सिक्योरिटीज, उनका मानना है कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है भारत के अंदर सिर्फ दो कंपनी
कंपनियों का यहाँ पे वर्चस्व हुआ वो है एयरटेल और जियो, ना कि वोडाफोन। अब वोडाफोन आइडिया को दोस्तों अपना नेटवर्क बढ़ाना और इन कंपनियों को दोस्तों झूठा साबित करना हो दोस्तों जियो और एयरटेल को टक्कर देना हो तो उसको बहुत जल्द दोस्तों अपने 4G गीगानेट सर्विस को, यस दोस्तों गीगानेट सर्विस को पूरे भारत में फैलाना पड़ेगा, अपने नेटवर्क को सुधारना पड़ेगा। अगर उसको नेटवर्क अगर पावरफुल हो गया ना भाई हो तो हकीकत में वो सही मायने में टक्कर दे सकेगा, क्योंकि विदाउट नेटवर्क आपके अगर कोर ही अच्छा नहीं, आपका नेटवर्क अच्छा नहीं तो लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे। प्राइस महंगा ले लो लेकिन एटलीस्ट नेटवर्क सुधारो। तो वोडाफोन आइडिया के लिए मेरा सजेशन होगा कि जल्द से जल्द अपने नेटवर्क को सुधार लीजिए, वरना आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि एयरटेल और जियो तो दोस्तों मार्केट के लीडर बनने के लिए बैठे हैं। और क्यों ना दोस्तों अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि यहां पे वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल का छोटा भाई या बड़ा भाई बनके दोस्तों ऑलमोस्ट 10-15 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ दोस्तों 10-15% के साथ ही खड़ा रह जाए आने वाले 2 साल के अंदर। मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है कि जियो एयरटेल दोस्तों वोडाफोन आइडिया को खा जाएंगे या वोडाफोन आइडिया में दम है जियो एयरटेल को बीट करने के लिए। फ्रेंड्स नीचे कमेंट करके बताना। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो एक थम्स अप जो दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेट अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये जो लाल कलर का बटन है इसको जोर दबा दीजिए, इसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनिल फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिएगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, ये जादुई बटन है, इसको दबाने का जादू यह है कि जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, आपका फोन बजने लग जाएगा और आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जोर दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।